हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की रीडिंग है जेमिनी के बारे में, यानी कि मिथुन राशि के बारे में। सो मिथुन राशि जो है, जो जेमिनीज हैं, उनके गवर्निंग प्लैनेट हैं, रूलिंग प्लैनेट हैं मरकरी। और मरकरी कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन जो है काफ़ी चार्मिंग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और इनका एलिमेंट है एयर, सो डेफिनेटली ये अपने एलिमेंट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑन करते हैं। सो थोड़ा सा जान लेते हैं जेमिनीज के बारे में। पहले जेमिनीज की रीडिंग करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। सो जेमिनी जो पीपल होते हैं ना, इनका क्या रहता है कि ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और बड़े चार्मिंग होते हैं, और बड़ा जिसे कहते हैं, अगर आप इनकी कंपनी में रहेंगे तो बड़ा आपका मन लगा के रखेंगे, आपको बोर नहीं होने देंगे, ठीक है ना। और दूसरा इनका क्या होता है कि काफ़ी मतलब क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, और काफ़ी दिमाग वाले होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी ब्रेनी होते हैं, क्लेवर और विटी होते हैं। विटी बोलते हैं लाइक ना, जिसे कहते हैं कि बात का जवाब एकदम से बड़े ह्यूमरस वे में दे देना। इमेजिनेटिव होते हैं, परसेप्टिव होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, यानी जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। क्विक विटेड होते हैं, यानी कि फटाफट से, जिसे कहते हैं हाजिर जवाबी, तो काफ़ी हाजिर जवाब होते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी नेगेटिव ट्रेट्स कह लें या वीकनेस कह लें, तो वो होता है कि ये जो है अपना इंटरेस्ट काफ़ी जल्दी लूज़ करते हैं, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई हॉबी अगर ये परसू कर रहे हैं तो उसमें भी अपना इंटरेस्ट ना काफ़ी जल्दी लूज़ कर देते हैं। ओवर थिंकर होते हैं, ठीक है, और असर्टिव होते हैं काफ़ी, और अपनी बात को बड़े अच्छे से कहना इनको आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के जो देवता हैं मरकरी, वो इनके रूलिंग प्लैनेट हैं। सो इस पॉजिटिव से नोट पे हम रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग में मैंने कार्ड पहले ही खोल लिए थे, वैसे मैं 7 कार्ड का स्प्रेड करती हूँ जनरली, पर यहाँ पे 8 कार्ड्स आए तो फिर मैंने 8 कार्ड से लिए, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं जेमिनी आप लोगों की एनर्जीज। सो गाइज, यहाँ पे मुझे थोड़ा हार्ट ब्रेक की एनर्जी आप लोगों में ना, मेरे सोल ट्राइब में, जेमिनी सोल ट्राइब में दिखाई दे रही है। मैं इसको पिक कर पा रही हूँ कि थोड़ा सा ना हार्ट ब्रेक का इशू है। हाँ, जैसे किसी ने आपके दिल को छलनी कर दिया है, बड़े ज़्यादा बुरे तरीके से छलनी कर दिया है आपके दिल को। तो मुझे बताइए, ऐसा हुआ है क्या जेमिनी पीपल, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, कोई इमोशनल पेन, कोई हर्ट, कोई ग्रीफ, कोई सोरो, कोई दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा, जिसने आपके मन को ना इमोशनल लेवल पे बिल्कुल तोड़ दिया है, बिल्कुल छलनी कर दिया है। तो इस तरह की मैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। देन नेक्स्ट कार्ड इज 8 of Swords। तो 8 of Swords में भी आप देखें ना, यहाँ पे भी सोर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे भी सोर्ड की एनर्जी है। और ये लेडी देखिए, लाइक इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, और इसकी इसको बांधा गया है, और चारों तरफ से ना सोर्ड से घिरी हुई है, तलवारों से घिरी हुई है। सो ये जो है ना, ये मैं आपकी सिचुएशन नहीं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है ये आपका माइंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रियल चीज़ हुई है ना, ये जो मन छलनी हुआ है अच्छे से, तो इसने ऐसा परसेप्शन वहाँ से ले लिया है। ये जो भी हादसा हुआ है, जो भी ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, इसने माइंड ने अब एक परसेप्शन ले लिया है कि सब जगह वैसा ही है, सब लोग वैसे ही हैं, सारी परिस्थितियाँ वैसे ही हैं। तो मन कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर हावी हो गया है, तो वो आपको दिखा रहा है कि सिचुएशन ना इतनी खराब है, जबकि इतनी खराब नहीं है। ये जो है ये पास्ट हो गया है। हाँ, सो मैं यहाँ पे आपको सजेशन या एडवाइस यही देना चाहूँगी कि आप जो है ना, आपने सेल्फ इम्पोज्ड किए हुए नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी क्या है कि आप विक्टिम मेंटेलिटी में आ गए हैं कहीं ना कहीं। जब एक बहुत गलत चीज़ हमारे साथ हो जाती है, वो चीज़ तो होके ख़त्म हो जाती है, बट हमारा माइंड जो है ना, हमें विक्टिम फील कराना नहीं छोड़ता। सो ये कहीं ना कहीं सेल्फ इम्पोज्ड थॉट प्रोसेस है, तो इससे आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और नया महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद एक नया साल शुरू होगा, तो हमें पुराने को, पास्ट को, हार्ट ब्रेक्स को, इन चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ना है, ठीक है। और आगे मुझे आप लोगों की ना थोड़ी एनर्जी इम्प्रूव होती हुई भी दिख रही है, लाइक 2 of Wands की एनर्जी में आप जा रहे हैं, जैसे कि 2 इच्छाओं के बीच में कि मैं ये करूँ ना करूँ, और कोई डिसीजन के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना मन बना लिया है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई पास्ट, और मुझे अब इस चीज़ से ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इनफ इज़ इनफ नाउ, मुझे अब इसमें से बाहर निकलना है, ठीक है।
तो ये दो इच्छाओं के बीच में, खासकर दो कॉन्ट्राडिक्टरी इच्छाओं के बीच में कहीं ना कहीं आप हैं, लेकिन मुझे आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो एक कार्ड है ना टैरो में, ये होता है कि थोड़ा सा लीडरशिप अपने हाथ में लेना, मन की लीडरशिप से बाहर निकल जाना, थोड़ा सा ना थोड़ा काम करना, थोड़ा क्लियर विजन रखना, थोड़ा ब्रॉड विजन रखना और अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने की दिशा में काम करना। सो इस तरह की एनर्जी में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, और आपको इस चीज़ के लिए ना अपने आसपास से सब जगह से सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, सो बी पॉजिटिव गाइस। इसके बाद है कार्ड है टेम्परेंस का। सो ये टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये काफ़ी विजडम वाला कार्ड होता है, काफ़ी अच्छा कार्ड होता है। और ये कहीं ना कहीं मॉडरेशन, हाँ मॉडरेशन किस तरह से कह सकते हैं, लाइक ये किसी ने किया, हाँ ये हुआ, ये कोई दुर्घटना हुई लाइफ में, ठीक है, एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, अच्छी चीज़ नहीं हुई लाइफ में, ये बड़ी कोई गलत सी चीज़ हो गई है, किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि दिल बिल्कुल छलनी हो गया है। सो हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने अपने माइंड को ऑटो पायलट पे भेज दिया और हम ओवरथिंकिंग करने लगे और विक्टिम मेंटेलिटी में चले गए, है ना, और खुद को ही मतलब ना ऐसे कैद कर लिया अपनी अपनी मन की प्रिजन में। सो मॉडरेशन आएगा आपकी लाइफ में ना दिसंबर के अंदर अंदर, आपकी लाइफ में मॉडरेशन आएगा, यानी कि बैलेंस आएगा, यानी दिल और दिमाग के बीच में भी बैलेंस आएगा, ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी बैलेंस आएगा और हार्मनी डेवलप होगी और आप में पेशेंस आएगा डेफिनेटली दिसंबर के मंथ में ना, और आपकी रिलेशनशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, वहाँ पे भी हार्मनी डेवलप होती हुई मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड होता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो एक थोड़ी सी ना एक न्यू एनर्जी जिसको बोलते हैं ना फ्रेशनेस का कार्ड होता है, कि फ्रेश वे में, हाँ इंस्पायरिंग वे में, और थोड़ा सा ना चीज़ों को देखना, खुले दिल से स्वीकार करना और अपने पोटेंशियल पे काम करना और थोड़ा सा फ्री विल के साथ काम करना, तो इस तरह की एनर्जी में जाते हुए आप लोग मुझे दिख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जरूरी नहीं है, हो सकता है इस टाइम पे कोई सॉलिड प्लान भी ना हो, लेकिन आप उस पर कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर रहे हैं, आप कोई नई नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, तो इस तरह का ये कार्ड होता है। सो दिसंबर में आपकी एनर्जी डेफिनेटली मैं इम्प्रूव होती देख पा रही हूँ। देन दिस इज द कार्ड ऑफ फूल। फूल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बेवकूफ या पागल, ऐसा नहीं होता है। फूल का मतलब होता है कि लोग आपके बारे में जो मर्जी सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ना एक न्यू बिगनिंग, आपने एक अपना दिशा बदल दी, ठीक है, उससे ही आपकी दशा बदलेगी बाद में, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, हाँ, और यूनिवर्स में आपका कहीं ना कहीं फेथ डेवलप हो जाना, लाइफ की बिगर पिक्चर आप लोग देख पाएंगे, थोड़ी इनोसेंस में चले जाना, ठीक है। और देख रहे हैं आप एनर्जी आपकी कहाँ से कहाँ आ गई है, कहाँ पे थे और कहाँ आ गई है, और ये देखिए, ये तो इससे भी बुरा था, लाइक जब आप अपने मन की ही जेल में आ जाते हैं, हाँ, और एक चीज़ जो होती है उसे ही ना ऑटो पायलट पे बार बार रिमाइंड करके देखना और सोचना, और देखिए एनर्जी कितनी इम्प्रूव हो गई है। सो अगर गाइस आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं, इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की सिचुएशन, तो प्लीज इस इनोसेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो शुरू जो मामला हुआ था इमोशंस से, हाँ इमोशंस का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था कहीं ना कहीं, तो इमोशंस पे ही जाके मामला कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ कप्स होता है ना, कप्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इमोशंस को। सो ये वाला जो कार्ड होता है ये बताता है आपकी क्रिएटिविटी के बारे में और न्यूरोमेंस के बारे में, और थोड़ा सा चार्म आपकी लाइफ में आएगा, थोड़ा इमेजिनेशन का तड़का आपकी लाइफ में लगेगा। तो इस तरह से ना मुझे आपका जो हार्ट है ये हील होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, और आप अपने हार्ट को दोबारा से फॉलो करना शुरू करते हैं, दिल की बात मानना शुरू करते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस बहुत अच्छी सी आपकी एनर्जी इम्प्रूव होगी है थ्रू आउट दिस मंथ ऑफ दिसंबर, और हमने इस इम्प्रूव्ड एनर्जी को ही 2024 में लेके जाना है। इस तरह की एनर्जीज को हमने ना कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अगर कर रहे हो तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ों की चॉइस ना हमें भी दी जाती है, हर चीज़ हमारे साथ होती नहीं है, कुछ चीज़ों को चुनने का ना अधिकार हमारे पास भी है। और थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या था। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड है, और हैंग्ड मैन का जो कार्ड है वो हमें बताता है कि
आप थोड़ा सा ना सरेंडर की एनर्जी में जाइए, ठीक है। ये जो हुआ गाइस, ये आपकी गलती नहीं थी, ठीक है, ये डेस्टाइंड था इसलिए हो गया, ठीक है। अब आप इसे छोड़िए, थोड़ा सा सरेंडर करिए, बिगर पिक्चर को देखिए, लाइफ की, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ के देखिए, थोड़ा सा उस ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, सो सब कुछ सही होगा। और हम फर्दर गाइडेंसेस के लिए लेंगे ओशो के कार्ड्स। सो देखिए पार्टिसिपेशन, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस वाली एनर्जी में रहते रहते आप लोगों से कट गए हों, दूर हो गए हों, आपके ज्यादा कॉन्टेक्ट्स ना हो, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करें, यानी कि लोगों से मिले जुले, सोशलाइज हो, दोबारा से जो लाइफ का जो फ्लो है ना उसे एस्टेब्लिश करें, पार्टिसिपेट करें इस लाइफ की जर्नी में सबके साथ। तो घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं, बाहर जाएं, खाने पीने का प्रोग्राम बनाएं। तो जैसे आपने अपने आप को काट लिया है ना सब जगह से, दोबारा से अपने आप को जोड़ना शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ हार्मनी। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे और इस वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, धीरे धीरे एनर्जीज इंप्रूव होंगी, देन हार्मनी विल डेवलप, तो हार्मनी भी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद है द ड्रीम। ओ और द ड्रीम, और यही कार्ड पहले आया था, तो इसी की रिपीटेशन हुई है कि आप अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू करेंगे। वो ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, वो ड्रीम किसी लवर का भी हो सकता है, हाँ किसी रिलेशनशिप का भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप अपने दिल से सोचते हुए दोबारा से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है, जरूरी नहीं है जो एक बार हुआ वही हर बार होगा, जरूरी नहीं है जो एक इंसान ने किया वही हर इंसान करेगा, ठीक है। कुछ गाइडेंसेस लेंगे मून से। डू नॉट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। यस, तो कभी कभी क्या होता है ना, ये भी हमारा प्राइड ही होता है, हाँ, कि मैं ये नहीं करूंगा, या जो है अब जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे, मैं कुछ एफर्ट्स नहीं करूंगा, ये भी हमारा प्राइड ही होता है कहीं ना कहीं। सो इस चीज को भी बीच में नहीं आने देना, मैं को बीच में नहीं आने देना है, ठीक है, सरेंडर करना है। और नेक्स्ट कार्ड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, अगेन रिपीटिशन, आपको ये छोड़ना है, आपको ये छोड़ना है, दोनों एनर्जीज आपको छोड़नी है, ये हार्ट ब्रेक, ये सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स, ठीक है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये आपको छोड़ना है, विलिंगली छोड़ना है, और आप छोड़ पाएंगे। गाइस कभी कभी एनर्जीज ऐसी होती हैं कि आप कोई काम करना चाहें, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, वो हो जाता है, ठीक है। लाइक 30th of November से नया ट्रांजिट भी शुरू हुआ है, और 15th of December से भी एक नया ट्रांजिट शुरू होगा, तो उसमें चीजें छोड़ पाना आपके लिए इजी होगा। तो आप देखिए कि आपने क्या क्या रिलीज करना है अपनी साइकी से, और उसे रिलीज कर दीजिए। रिलीज कैसे करते हैं, अब आप कहेंगे रिलीज कैसे करते हैं, रिलीज कैसे करूं, तो पेन और पेपर लीजिए, और हर रोज जो भी मन में भरा हुआ है ना वो सब लिखना शुरू कीजिए, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये गाइडेंस भी दे रही हूँ, साथ साथ में आपको टिप भी दे रही हूँ कि हाउ टू रिलीज दिस इमोशनल क्लटर, ये क्लटर को कैसे साफ करना है, ठीक है ना, दिस इज क्लटरिंग, और इसको 2024 में लेके नहीं जाना है, तो इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका है कि सुबह उठो और सबसे पहले अपने थॉट्स लिखो, आप क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, वो सब निकल जाएगा, ठीक है। देन लास्ट कार्ड फ्रॉम द मून इज बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस लेके आइए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है ना, तो हम अंदर मुड़ जाते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल होना बिल्कुल बंद कर देते हैं, सोशलाइज होना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यही गाइडेंस थी कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, और यही गाइडेंस फिर मून से भी आई है कि आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस कीजिए, यानी कि अपनी अंदर वाली लाइफ और बाहर वाली लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके चलिए। लास्ट हम गाइडेंसेस लेंगे या एडवाइजेस लेंगे एंजल से। सो ओके गाइस, अगर थ्रू आउट द रीडिंग आपके मन में कोई बात चल रही थी कि मुझे इसका आंसर चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, सो आप एक मिनट के लिए उस बारे में सोच सकते हैं, कि आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि आप किस बारे में सोच रहे थे, या पर्टिकुलरली आपको किस बात का आंसर चाहिए। तो आपने सोच लिया होगा, नोट द राइट टाइम, वो जो चीज भी है, वो जो भी इंसान है जिस बारे में आपने सोचा है, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो नेक्स्ट गाइडेंस लेंगे हम। ओके, बी असर्टिव। वैसे तो जेमिनीज जो पीपल हैं वो काफी असर्टिव होते हैं, काफी दिल खोल के अपनी बात कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए गाइडेंस आई है बी असर्टिव, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो शैलो चीजें होती है ना, ऊपर ऊपर की बातें, वो तो बड़े आराम से कहते हैं, लेकिन जो असली कोर इशू होता है लाइफ का,
कोर कोर मुद्दा जिसे कहते हैं ना, अंदर का बिल्कुल कोर कोर वाला, वाइटल वाला इशू जो है ना, उस बारे में असर्टिव नहीं हो पाते, और वो हम सब पे ही लागू होता है कहीं ना कहीं, हम सब ही ऐसे करते हैं। सो उस कोर इशू के बारे में बी असर्टिव, खुल के बात करें। नेक्स्ट और लास्ट कार्ड फ्रॉम दी एंजल्स एंड गाइस, आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी फील किया, आपकी रीडिंग जो भी रही, बट लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, अबंडेंस। ठीक है, तो दिसंबर 2023 कहीं ना कहीं आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है, और अबंडेंस का मतलब हमेशा पैसा ही नहीं होता है। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो हो सकता है ये आपके लिए इमोशनल अबंडेंस हो सकता है एक नया रिलेशन हो सकता है एक नई फ्रेंडशिप हो सकता है एक नई पार्टनरशिप हो। तो अबंडेंस हर किसी के लिए अलग होती है, तो क्लेम कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपके लिए अबंडेंस राइट नाउ क्या चीज़ है, आप किस चीज़ को अबंडेंस मानते हैं अपनी लाइफ में जेमिनी पीपल। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आपकी बहुत बहुत मैं मंगल की कामना करती हूँ, और दिसंबर 2023 वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, और आने वाला साल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू ऑल।